हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और आज का हमारा टॉपिक है मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर। प्रीवियस सेशन में हमने मैप रिड्यूस के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जाना, साथ साथ हमने ये भी जाना कि मैप रिड्यूस कैसे की वैल्यू पेयर डेटा पर काम करता है, डेटा लोकेलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस को कैसे अचीव करता है मैप रिड्यूस, हमने ये भी समझा। आज हम लोग मैप रिड्यूस के आर्किटेक्चर को समझेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम मैप रिड्यूस के आर्किटेक्चर को दिखाता है, जहाँ पर जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर मैप रिड्यूस के दो इम्पोर्टेंट पार्ट है। एसटीएफएस की तरह ही मैप रिड्यूस भी मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि जॉब ट्रैकर मास्टर नोड पर रन करता है, वैसे ही जैसे कि एसटीएफएस में नेम नोड मास्टर नोड पर रन करता है और टास्क ट्रैकर स्लेव नोड पर रन करता है, ठीक उसी तरह जैसा कि हमारा डेटा नोड स्लेव नोड पर रन करता है। इसीलिए एसटीएफएस की तरह मैप रिड्यूस भी मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। अभी हम लोग इस डायग्राम को समझेंगे ये कैसे काम करता है। सबसे पहले क्लाइंट जॉब असाइन करता है मास्टर नोड को। मास्टर नोड में जॉब ट्रैकर रहता है, जो कि उस जॉब को या फिर जो भी टास्क मिला हुआ होता है उस टास्क को बहुत छोटे छोटे भाग में, बहुत सारे टास्क में डिवाइड करता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि उन सारे टास्क को अलग अलग स्लेव नोड में बैठे हुए टास्क ट्रैकर को भेजा जा सके। जब एक टास्क को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके बहुत जगह एक साथ पैरेलली प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है तो ओवरऑल एग्जीक्यूशन का टाइम कम लगता है, जिससे वो जॉब या टास्क प्रोसेसिंग जल्दी होता है और कम समय में रिजल्ट मिलता है। जॉब ट्रैकर हर एक स्लेव नोड पर रिसोर्स एलोकेशन का काम करता है और जॉब ट्रैकर ही सारे स्लेव नोड पर टास्क को भेजता है प्रोसेसिंग के लिए। जब जॉब ट्रैकर टास्क को हर एक स्लेव नोड पर भेजता है तो वहाँ पर जो टास्क ट्रैकर रहते हैं स्लेव नोड पर, वो उस टास्क को प्रोसेस करने के लिए मैप और रिड्यूस टास्क को लॉन्च करते हैं। इसीलिए डेटा प्रोसेसिंग के लिए मैप और रिड्यूस फेज में प्रोसेस होने के बाद वो टास्क से हमें कुछ आउटपुट मिलता है। सो ठीक इसी तरह हर एक स्लेव नोड में डेटा प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट होता है वो जॉब ट्रैकर को वापस भेजा जाता है। टास्क ट्रैकर का काम होता है हर एक टास्क का ओवरऑल प्रोग्रेस रिपोर्ट जॉब ट्रैकर को भेजना। अगर कोई टास्क फेल कर जाता है या कोई टास्क सक्सेस करता है या फिर अगर कोई टास्क बीच में अटक जाता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो सारा जो भी टास्क का स्टेटस होता है उसे जॉब ट्रैकर के पास भेजा जाता है। तो इस तरह जॉब ट्रैकर सारे टास्क को ओवरऑल मॉनिटर करता है। अगर कोई टास्क फेल कर जाता है तो जॉब ट्रैकर उस टास्क को फिर से प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। तो इस तरह से जॉब ट्रैकर ओवरऑल जॉब के प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है और जॉब सक्सेस होने पर क्लाइंट को नोटिफाई करता है। इसका समरी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि मैप रिड्यूस कैसे काम करता है। जैसा कि हमने वन बाय वन देखा कि जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर मैप रिड्यूस के दो इम्पॉर्टेंट डेमंस है या दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट के स्टेप्स में ये सारे पॉइंट्स आपको ओवरऑल जॉब का एग्जीक्यूशन, प्रोसेसिंग, जो भी हमने प्रोसेस देखा वो सारे चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो आप ये अपने नोट्स के लिए ये सारे पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। मैप रिड्यूस के आर्किटेक्चर को हमने थियोरेटिकली समझा एक डायग्राम के जरिए। अब हम लोग उस डायग्राम में जो भी हमने प्रोसेस जाना उसे एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। ये मैप रिड्यूस का एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, जिसे वर्ड काउंट भी बोलते हैं। मतलब हमारे पास जो एक फाइल है या फिर डेटा है उसमें हर एक वर्ड का कितना काउंट है ये निकालना है। तो मैप रिड्यूस का काम है ये फाइल में से हर एक वर्ड का काउंट निकालना, जैसा कि आपको फाइनल सेक्शन में दिख रहा है कि हर एक इंडिविजुअल वर्ड का काउंट दिखा रहा है आउटपुट में। सो इस पूरे प्रोसेसिंग को करने के लिए मैप रिड्यूस छः भाग में डेटा को प्रोसेसिंग करता है। पहला है इनपुट, यानी जो हमारा इनपुट फाइल या फिर जो इनपुट डेटा आता है वो। दूसरा है इनपुट स्प्लिट। तो हमने जब एग्जांपल में समझा कि क्लाइंट एक जॉब सबमिट करता है जॉब ट्रैकर को, तो वो जो जॉब है उसे आप समझ लो ये फाइल है, ये इनपुट फाइल हमारा हो गया जॉब। नेक्स्ट है इनपुट स्प्लिट। इनपुट स्प्लिट हो गया जब डेटा को छोटे छोटे भाग में स्प्लिट किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉब ट्रैकर एक जॉब को बहुत सारे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करता है ताकि हर एक टास्क को पैरेलली प्रोसेस किया जा सके। तो ये इनपुट स्प्लिट का काम हो गया जॉब ट्रैकर का। नेक्स्ट है मैपिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉब ट्रैकर ये स्प्लिट किए हुए टास्क को
टास्क ट्रैकर के पास भेजता है और टास्क ट्रैकर उन डेटा को या फिर उन टास्क को प्रोसेस करने के लिए मैप और डिड्यूस फेज का यूज करता है। तो ये मैपिंग टास्क ट्रैकर के मैप फेज को दिखाता है, जहाँ पर हर एक इनपुट स्प्लिट को की वैल्यू के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि मैप रिड्यूस डेटा को प्रोसेस करने के लिए की वैल्यू फॉर्म का यूज करता है। मैप और रिड्यूस फेज के बीच यहाँ पर और एक फेज है सफलिंग। सो सफलिंग में क्या होता है, हर एक वर्ड को जो भी सिमिलर वर्ड होते हैं उसे एक साथ रखा जाता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हर एक वर्ड को हम लोग की कंसिडर कर रहे हैं और जो वर्ड का काउंट है उसे वैल्यू के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर हमने हर एक वर्ड को एक काउंट के रूप में दिखाया है। तो सफलिंग फेज में क्या होता है, जो सिमिलर की होते हैं उसे एक जगह रखा जाता है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये सेशन की दो बार आया हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसीलिए सफल होने के बाद ये सेशन जो कि सिमिलर की है वो एक जगह पर या फिर एक जगह पर दोनों को लिखा गया है। सिमिलरली जो अलग अलग वर्ड है जिसका कोई डुप्लीकेशन नहीं है, वो आप देख पा रहे हो वो सारे वर्ड एक बार करके ही लिखे गए हैं, उन्हें डुप्लीकेट एक भी नहीं मिला है बाकी का। सो नेक्स्ट फेज है रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या करता है, जो भी सफलिंग फेज में जो भी कीज एक तरह के होते हैं उसे एग्रीगेट करता है। मतलब ये सेशन की दो बार आया हुआ है, इसीलिए सेशन की के अगेंस्ट दो लिखा हुआ है। मतलब जो भी काउंट होता है उसे एग्रीगेट करके वो वैल्यू लिखता है। तो बाकी वर्ड के लिए, बाकी वर्ड एक ही बार आया है इसीलिए बाकी वर्ड को काउंट एक ही दिखाया गया है। सो रिड्यूसर फेज का काम होता है सारे वर्ड का जो भी काउंट दिख रहा है यहाँ पर उसे रिड्यूस करना या फिर एग्रीगेट करके एक फाइनल वैल्यू दिखाना। सो लास्ट में आप देख पा रहे हो जब रिड्यूसर आउटपुट जनरेट करता है वो सारे की वैल्यू को एक साथ दिखाता है एग्रीगेटेड फॉर्म में। इस तरह से मैप रिड्यूस सारे वर्ड का काउंट पता करके बताता है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। मैप रिड्यूस में स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन क्या है, जैसा कि हमें पता है कि मैप रिड्यूस किसी भी जॉब को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे टास्क में डिवाइड करके फिर प्रोसेस करता है। तो मान लो जब कोई जॉब में 100 या उससे ज़्यादा टास्क पैरेलली रन करता है, मान लेते हैं कोई एक जॉब है जिसके लिए 1000 टास्क पैरेलली रन होता है, तो यहाँ पर हाई चांसेस है कि बीच में कोई टास्क या फिर कुछ टास्क परफॉर्मेंस वाइज लैग कर रहे हैं, मतलब काफ़ी स्लो काम कर रहे हैं। तो इसका बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसा कि कोई हार्डवेयर इशू है या फिर सॉफ्टवेयर इशू है उस पर्टिकुलर स्लेव नोड पर, जिसके कारण कोई टास्क बहुत स्लो काम कर रहा है। तो इस केस में अगर आपके पास 1000 टास्क है तो उसमें से ये डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा टास्क स्लो काम कर रहा है, क्योंकि कुछ टास्क देर से ही सही पर सक्सेसफुली भी कंप्लीट होते हैं। तो हडूप में उस स्लो काम करने वाले टास्क को डायग्नोज या फिक्स करने के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि ये उस टास्क का एक बैकअप या डुप्लीकेट टास्क एग्जीक्यूट करता है, और इसी को बोलते हैं स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन हडूप का कोई फीचर नहीं है, बल्कि ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिससे ये पता चले कि कौन सा टास्क स्लो काम कर रहा है और उसका एक डुप्लीकेट टास्क को रन किया जाता है। बाय डिफॉल्ट स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन को ऑन रखा जाता है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसे डिसेबल या फिर स्विच ऑफ भी कर सकते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। मानते हैं इस जॉब में 100 टास्क पैरेलली रन करता है, सो 20 मिनट्स का कुछ टाइम ड्यूरेशन है जिसे रखा गया है कि मॉनिटर करने में कौन सा टास्क स्लो काम करता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस 20 मिनट के अंदर ही टास्क 1 कंप्लीट हो जा रहा है, टास्क 2 भी कंप्लीट हो जा रहा है, सिमिलरली टास्क 100 भी कंप्लीट हो जा रहा है। तो बाकी और भी कुछ टास्क है जो बीच में कंप्लीट हो रहे हैं या फिर इन प्रोग्रेस है 20 मिनट के अंदर, बट हमें ये पता चलता है कि 20 मिनट्स के बाद हमने जाना कि टास्क नंबर जो 99 है वो स्लो काम कर रहा है। इस केस में इस चीज को आइडेंटिफाई किया गया, तब हडूप ने टास्क 99 के लिए और एक बैकअप टास्क या डुप्लीकेट टास्क रन कर दिया। तो मतलब अब जो टास्क 99 है वो और एक रन कर रहा है, तो अब इन दोनों को मॉनिटर किया जाएगा कि कौन सबसे पहले कंप्लीट होता है या सक्सेस होता है। मान लेते हैं जो पुराना वाला टास्क है वो सबसे पहले सक्सेस हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा, जो डुप्लीकेट टास्क एग्जीक्यूट किया गया उसे हडूप टर्मिनेट कर देगा। या फिर सेकंड सिनेरियो ऐसा हुआ कि हमारा जो डुप्लीकेट टास्क है वो पहले सक्सेस हो गया,
तो इस केस में जो पुराना वाला टास्क ऑलरेडी रन कर रहा है उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस तरह से हडूप स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन के कंसेप्ट को परफॉर्म करता है ताकि स्लो रनिंग टास्क को आइडेंटिफाई किया जा सके और ओवरऑल जॉब के एग्जीक्यूशन टाइम को कम किया जा सके। आज के सेशन में हमने मैप रिड्यूस के आर्किटेक्चर को देखा, हमने एक डायग्राम के जरिए इस आर्किटेक्चर को समझा और एसटीएफएस के आर्किटेक्चर के साथ भी कंपेयर करके मैप रिड्यूस के आर्किटेक्चर को डिटेल में समझा। इसके अलावा हमने मैप रिड्यूस के प्रोसेसिंग को एक वर्ड काउंट के एग्जाम्पल के जरिए समझा और हमने लास्ट में ये जाना कि स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन क्या है और मैप रिड्यूस में ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।